नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 नवंबर सन 2021। दोस्तों, आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी और आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। आपको याद होगा, हमारे पिछले शो के अंदर हमने आपको चंद अपडेट दिए थे जो एग्रो कमोडिटीज़ गवार सीड, कैस्टर सीड, कॉटन के ऊपर जो सत्य साबित हुए। कमोडिटीज़ के अंदर भी हमारी भविष्यवाणियां सत्य साबित होती देखी गई। शेयर बाज़ार के अंदर भी लगभग सभी स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मुनाफा उतार चढ़ाव वाले बाज़ारों में दिया। आज क्या संभावना बनती है, इससे पहले आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। आज चंद्रमा मकर राशि में है, गुरु चंद्र एवं शनि भी मकर राशि में होंगे। गौरतलब है मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और शनि ग्रह की स्वयं की राशि है। आज सूर्य, मंगल एवं बुध तीन ग्रह तुला राशि के अंदर होंगे जो कि वायु प्रधान राशि है। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में होगा। स्टॉक वॉच, ये सब ग्रह सहयोग बाजारों में विशेषकर शेयर बाजार के अंदर मिश्रित रुख की रचना कर सकते हैं। आज आप स्टील सेक्टर के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएं देख सकते हैं। गौरतलब है कि स्टील सेक्टर, सीमेंट और बैंकिंग स्टॉक्स ने पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर ज़बरदस्त मुनाफा निवेशकों को कमा के दिया, लेकिन आज मुझे टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। एक और विशेष बात, समय पर मुनाफा वसूल करना छोटे अवधि यानी इंटर डे ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रो वॉच, दोस्तों गवार सीड, गवार गम, चना दाल, सोयाबीन और कपास के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, गवार गम में सितंबर माह में निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। गौरतलब है इस साल जुलाई तक गवार गम का एक्सपोर्ट सामान्य था, लगभग 16 से 18 हज़ार टन प्रति माह, जबकि सितंबर माह में ये बढ़कर 24,820 टन गवार गम का निर्यात हुआ, जो कि चीन, जर्मनी एवं रूस एवं अमेरिका जैसी कंट्रीज को हुआ। एक और ध्यान देने वाली बात, नागौर एवं मेड़ता सिटी के अंदर गवार सीड की मंडियों में उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त गवार अच्छी क्वालिटी का गवार सीड की लगातार कमी महसूस की जा रही है। एक और विशेष बात, गवार गम के अंदर बड़ी तेजी और बड़े उतार चढ़ाव को देखते हुए NCDX ने 5% का अतिरिक्त मार्जिन गवार गम पे NCDX पे लगा दिया गया है, जिससे गवार गम और गवार सीड में एक बार मुनाफा वसूली या कमजोरी भी देखी जा रही है। दोस्तों एक विशेष और कि चना दाल के अंदर, चना दाल एवं दलहन पर पिछले कुछ महीनों से बड़ी परेशानियों का सामना किसानों एवं मंडी कारोबारियों को देखने को मिल रहा था, क्योंकि चने के अंदर लगातार दाम नीचे गिर रहे थे। लेकिन अब जैसे आपको हमने पहले भी कहा था कि चने के भाव दिवाली के बाद धीरे धीरे सुधार सकते हैं, अब चने दाल पे सुधार की संभावनाएं लगातार हो रही है और ये तेजी दिखा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1,00,000 टन चना दाल खरीदने के टेंडर भी जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन के अंदर भी तेजी की संभावना आज बन सकती है। विशेष ख्याल रखें, गवार सीड, सरसों, सोयाबीन एवं कॉटन के ऊपर आप विशेष रिपोर्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कमोडिटी वॉच, दोस्तों कच्चे तेल ने हमारी अग्रिम भविष्यवाणी के अनुसार लगातार पिछले 2-3 दिन के अंदर अच्छी तेजी दिखाई दी। ये 83-84 यूएस डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन अब कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्रूड ऑयल कभी भी मुनाफा वसूली की जद में आ सकता है, आप विशेष ध्यान रखें। एक काम की बात, 1980-81 में जन्म लेने वाले सभी कर जातक के लिए इस समय विशेष समय है। मजबूत ग्रह आपको तरक्की, लाभ एवं मान सम्मान दिला सकते हैं, जबकि पत्रिका में कमजोर ग्रह नौकरी में समस्या, कारोबार में समस्या, उद्योग धंधे में तालाबंदी एवं भागीदारों में यानी पार्टनर्स के बीच अनबन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। बड़ा कर्जा, लगातार बड़े खर्चे सरमाथे आ सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर येलो सफायर रत्न धारण करना जुपिटर ग्रह के सभी अशुभ प्रभावों को कम कर देता है तथा जुपिटर के शुभ प्रभावों में बढ़ोतरी भी कर सकता है। पुखराज रत्न बड़े कारोबारी मुनाफे के लिए अक्सर पहचाने जाते हैं। गुरु का रत्न पुखराज अक्सर बड़े ट्रेडर्स व
उद्योगपति शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार के कारोबारी धारण करते देखे गए हैं। विश्व प्रसिद्ध रत्न बाजार से आप भी सर्टिफाइड राशि रत्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें और कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने सलाहकार से अवश्य सलाह कर लें। दोस्तों, इस शो को देखने के बाद यदि आप इस शो को पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हर विशेष रिपोर्ट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।